आज हम फोर्थ क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस का मतलब है कि जो चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं हम उनको बोलते हैं थिंग्स जो हमारे आसपास है, मतलब चीजें जो हमारे आसपास है। ठीक है, तो हमारे आसपास के वातावरण में जो चीजें हैं वो दो हिस्सों में बांटी गई हैं। सबसे पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो सजीव और निर्जीव वस्तु है, ये हमारे आसपास की चीजें हैं, ये सारी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब भी आप लोग सभी जानते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगी कि लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है, जो चल फिर सकते हैं, जो हर चीज महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे हम या जानवर या पेड़ पौधे या जिनको हम बोलते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनको हम बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं, मतलब जैसे पेन, पेपर, बुक, जो चल फिर नहीं सकती है, जो कुछ महसूस नहीं कर सकती है, उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जो कोई मूवमेंट नहीं दे सकती है। तो ये दोनों जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइडेड है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैन होता है, मतलब जो इंसान होते हैं, जैसे हम अपने सर्वाइवल के लिए, हम अपनी दिनचर्या के लिए, हम अपने जीवन को चलाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं या हम अपने नेचर पे डिपेंड होते हैं। हम कुछ खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, तो वो किस में होता है, हमारे नेचर में होता है, हमारे लैंड में होता है। और हम एनिमल्स के ऊपर इस तरीके से डिपेंड रहते हैं कि हमें खाने के लिए भी एनिमल्स का यूज करना पड़ता है, या हमें जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक तो पेन की जरूरत होती है और उसके बाद एक पेपर की या कॉपी की जरूरत होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि अब देखो, हम इंसान है तो हम अपना भोजन हम खुद से बना सकते हैं, हम अपने से अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो जो एनिमल्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स, एक होता है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, मतलब ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सबसे पहले जो होते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स, मतलब जो ऐसे एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, बोर, शीप, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स एंड जिराफ्स ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट, ये होते हैं हर्बीवोर्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर प्लांट्स। ठीक है, तो वो होते हैं हर्बीवोर्स। ओके, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड वॉल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। जो ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मांस खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स। ओके, उसके बाद है एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, बियर्स, रैट्स एंड क्रोस ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल्स। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्रोज हुआ, रैट्स हुआ, बियर्स हुआ, कैट, डॉग्स और ह्यूमन बींग्स भी, मतलब इंसान भी और ये सारे एनिमल्स भी, ये दोनों चीजें, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं हम, पेड़ पौधे से निकली हुई चीजें भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और क्या एनिमल्स को भी हम खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ओमनीवोर्स। ओके,
और नॉन लिविंग थिंग्स को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ का मतलब होता है लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स इसके अपोजिट सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो होती है, ब्रीथिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन हम अपने अंदर इनहेल करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और हमको क्या देते हैं, हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं, प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें उनकी जो पत्तियां रहती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम स्ट्रोमेटा। तो उन पोर्स के थ्रू वो सांस लेते हैं। फिश जो होती हैं, फिश गिल्स से, उनके बॉडी में गिल्स होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। उसके बाद जो अर्थवॉर्म और लीचेज होते हैं, मतलब केंचुए जो होते हैं और केंचुए जो होते हैं और जो रेंगने वाले पशु होते हैं, रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन से, मतलब अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स को बढ़ने की आवश्यकता होती है। जो भी सारे लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ते हैं, जैसे हम जब हम छोटे बच्चे थे तब हम हमारा साइज भी छोटा था और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे और हमारे साइज के साथ हमारा शेप भी छोटा था। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे हम बढ़ते गए और हमारा साइज भी बड़ा होता गया और अब और भी बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कभी बढ़ते नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग थिंग्स अपना ही काइंड पैदा करते हैं, मतलब अपने ही जैसा एक दूसरा बनाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। फिफ्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक से दूसरी जगह अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जैसे हम हैं या एनिमल्स हैं, वो हम अगर कहीं भी जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, अपने पैरों से चल के जा सकते हैं। एनिमल्स को कहीं जाना हुआ तो वो भी अपने पैरों से चल के जा सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को कभी हमने चलते हुए नहीं देखा लेकिन वो एक लिविंग थिंग होते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स में मूव। देखो क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो टूट के इधर उधर चली जाती हैं, या फ्लावर्स होते हैं वो भी टूट के इधर उधर चले जाते हैं। तो प्लांट्स अपना मूवमेंट उससे शो करते हैं, लेकिन कभी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपना मूवमेंट शो नहीं करते। जब तक हम उनको एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं ले जाएंगे तब तक वो अपने आप से नहीं चल सकते। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील का मतलब है इसके बाद कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको सारी चीजें महसूस होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है मिमोजा प्लांट का, छुईमुई का जो पेड़ पौधा होता है, छुईमुई का पेड़ होता है, उसमें अपन अगर अपन उसको थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो वो अपना रिएक्शन देना चालू कर देता है, वो बंद होना चालू कर देता है। मतलब जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है लिविंग थिंग मतलब समानताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इनमें क्या समानताएं होती है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ हैव अ डेफिनेट शेप। मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक निर्धारित शेप होता है जो एक समय जाकर रुक जाता है लेकिन आगे बढ़ता घटता रहता है। उसके बाद है वेट। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका वेट भी बढ़ता रहता है और घटता रहता है। हम अपना वेट अगर देखेंगे तो हमारा वेट आज कुछ और होगा, हम अपने वेट को नापेंगे तो हमारा वेट आज कुछ और होगा, हम 15 दिन बाद अगर अपना वेट नापेंगे तो 15 दिन बाद हमारा वेट कुछ और होगा। ऐसे ही हम स्कूल बैग का अगर वेट नापेंगे तो स्कूल बैग का वेट
अगर हम थोड़ा उसमें ज्यादा वजन कर देंगे तो उसका वेट कुछ और होगा, थोड़ा कम वजन कर देंगे तो उसका वेट कुछ और होगा। तो ऐसे ही इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। उसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है सबसे पहले ब्रीद, ग्रो एंड डाई, नीड फूड एंड वाटर, मूवमेंट्स, मूव बाय देयर सेल्फ, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए सबसे पहले लिविंग थिंग्स की अगर हम देखेंगे तो लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई मतलब बढ़ सकते हैं और मर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड वाटर और एयर की जरूरत होती है, और लिविंग थिंग्स अपने आप से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे अपोजिट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीजें जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए डिफरेंसेस इनके बीच में, और आपको ये समझ में आ गया होगा ये लेसन। और अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसको रीडिंग करेंगे एक बार बुक से, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।